बनी, मेरा ना बहुत सिर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बेड पे लेटा दे। यार अनुष्का, मैं तो बोला था ना कि इतना मत पी मत पी, लेकिन तू है ना किसी की सुनती ही नहीं है, हमेशा अपनी चलानी होती है तुझे। यार कहीं बनी ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले उसके सर पे पपियों का भूत सवार था। यार अनुष्का बस कर, तू ऑलरेडी बहुत पी चुकी है, पर अगर पी पाकर यहाँ गिर गई ना तो मैं तुझे उठाकर नहीं लेके जाऊंगा, वैसे भी तू बहुत मोटी हो गई है। जस्ट शट अप, यू डोंट नो, पीने के मामले में ना मेरी कैपेसिटी तुझसे बहुत ज्यादा है, समझा? मैं ना तुझसे डबल डबल पी सकती हूँ बनी। यार रहन दे, बस कर, मान जा। अबे चल ना। नहीं नहीं यार, मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, सारी गलती ना मेरी है। बनी तो बेचारा बार बार मुझे मना ही कर रहा था कि ओवर ड्रिंक मत कर मत कर। यार पी के ना मैंने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, क्या हो गया यार मुझसे, शिट यार, बनी भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ये क्या कर दिया मैंने, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब हमारी इतने सालों की दोस्ती खराब हो जाएगी, पागल हूं मैं पागल। यार माना अनुष्का मुझसे ज्यादा नशे में थी, लेकिन मैं तो होश में था ना, फिर मैं क्यों नहीं रोक पाया खुद को, मैं इतना आगे बढ़ा ही क्यों। यार इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत गलत हो गया, पता नहीं अनुष्का मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। शिट यार। अबे अनुराग कहाँ मर रहा है, फोन उठा लेना यार। और बन्नी क्या हाल है आजकल, तू बिल्डिंग में दिखता नहीं, और कहाँ गायब है? कुछ नहीं यार, वो थोड़ा बस काम में इधर उधर बिजी रहता हूँ। सही है सही है, बिजी रहना चाहिए। तो बन्नी तेरा बाल तो बड़े सेक्सी यार, क्या लगाता है तू, वैक्स या जेल? नहीं यार ये मैं केमिकल बेस्ड चीजों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, मैं यूज करता हूँ मुस्टैक का हेयर केयर कॉम्बो। यार देख, जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ ना तो मुझे मेरे हेयर बहुत मैसी मिलते हैं, और मुझे अपने मैसी हेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं सुबह उठकर अपने हेयर वॉश करता हूँ मुस्टैक के हर्बल शैम्पू के साथ। भाई ये ना एक नेचुरल शैम्पू है, और ये मेरे बालों को सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है जो मेरे बालों को चाहिए।
भाई मुस्टैक के हर्बल शैम्पू से ना मेरे बालों की सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। पहले मुझे ना थोड़ा हेयर फॉल वगैरह होता था, लेकिन जब से मैंने ये शैम्पू यूज करना शुरू किया है तब से मेरे बालों की सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। बेसिकली ये शैम्पू हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। और आफ्टर वॉश मैं यूज करता हूँ मुस्टैक की कोको एलो हेयर ग्रोथ क्रीम। भाई जो इसके अंदर ग्रीन ग्रीन से दाने दिख रहे हैं ना, ये जो बीड्स हैं, ये रियल एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट्स हैं। वाह यार, इसकी तो मेरे को भी बहुत जरूरत थी। क्या करूं यार, हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती। ऐसा क्या भाई, तो तुझे भी ये क्रीम जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये कोको एलो हेयर ग्रोथ क्रीम तेरे बालों को ऑयलीनेस होने से बचाएगी और तेरे बालों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी प्रोवाइड करेगी। सही है यार, मैं इसे डेली आफ्टर वॉश यूज करता हूँ और ये मेरे बालों को बिल्कुल हेल्दी और मॉइस्चराइज रखती है। यार बन्नी, मैं इतने दिन से परेशान था, पर तूने तो यार मेरी परेशानी दूर कर दी। पर यार इसे खरीदेंगे कहाँ से? अरे भाई, अभी मार्केट वार्केट जाने का कोई झमेला नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके ऑर्डर कर ले। और तुझे पता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल द बिग बिलियन डेज की सुपर सेल चालू है, जहाँ से तुझे ये दोनों प्रोडक्ट बहुत सही रेट में मिल जाएंगे। और हाँ गाइस, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी जरूर ट्राई करें, परचेस करें इन दोनों प्रोडक्ट को, क्योंकि अभी बहुत सही रेट में ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। चल ठीक है, अब तेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आ गया कमीने का फोन। चल यार मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। अबे यार बन्नी छोड़ ना, क्यों सोच रहा है इतना? जो हुआ सो हुआ, जाने दे, ये ले चिप्स का। भाई यार अनुराग, तुझे चिप्स की पड़ी है? यहां मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका हूं, तू समझ भी रहा है हुआ क्या है? अरे किसके चक्कर में मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ? छी यार, मेरा तो सोच सोच कर ही दिमाग फटे जा रहा है। अबे यार बन्नी देख, कुछ लोग ना ये जानबूझ कर करते हैं और कुछ लोगों से जाने अनजाने में हो जाता है भाई, लेकिन तेरे केस में तो गलती से हुआ है ना, तो क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? और एक बात बताऊं, इसी को तो दुनिया फ्रेंड्स विद बेनिफिट कहती है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट मतलब? अबे यार बन्नी, तू ना लूबी रहेगा। अबे यार कहां तू पहले किसके लिए मर रहा था, और अब तू तो पूरा का पूरा डिनर तक कर चुका है। और भाई तू एक बात तो तूने सुनी होगी ना, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, अनुष्का भी ये सब करना चाहती होगी, तभी तुम्हारे बीच में सब हुआ है। अब यार अनुराग, सॉरी भाई, अब सुन तो। शिट यार, ये क्या करे जा रहा हूं मैं। तो जो भी हुआ नशे में हुआ। हाँ, उस दिन के बाद उसका कोई कॉल आया? नहीं। और तूने कोई उसको कॉल या मैसेज किया? नहीं यार, हिम्मत ही नहीं हुई। कैसे करूं यार, अब मैं बन्नी को फेस कैसे करूंगी? देख यार, सिचुएशन तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बात तो करनी पड़ेगी ना अनुष्का, नहीं तो सब कुछ ठीक कैसे होगा? और क्या पता तू जो अभी सोच रही है वो भी सेम सोच रहा हो। और क्या पता बन्नी, जैसा तू सोच रहा है वो वैसा ना सोच रही हो, या हो सकता है उस रात के बाद से अनुष्का को मुझसे नफरत हो गई हो और दोस्ती खत्म करने की सोच ली हो। एक मिनट, कहीं अनुष्का ने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? नहीं यार, बनी ने मुझे अभी तक कहीं से कुछ ब्लॉक वगैरह तो नहीं करा। तो ऐसा कर, तू उसे कॉल कर, मिलने बुला और सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले। पर यार इस चीज की क्या गारंटी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जैसे हम थे वैसा हो जाएगा। यार चेतना, मैं ना बनी की दोस्ती को नहीं खोना चाहती, और मैं नहीं जानती कि हमारे बीच ये सब क्यों हो गया।
लेकिन मैं ना सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन यार, मेरे को ना बहुत लेट हो रहा है, आज भी अगर मैं लेट हुई ना मम्मी बहुत ज्यादा मारेगी, तो फटाफट ही फिनिश करते और चलते हैं। हाँ ठीक है, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजरे रहे बेजुबान, अब ना पहले सी बात। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। अरे हाँ हाँ निकल गई, मैं घर से पहुंच जाऊंगी टाइम से, फोन तो रख। बनी हाय। हाय सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं चेतना, अनुष्का की फ्रेंड। अच्छा चेतना, सॉरी वो मेरा ध्यान कहीं और था तो मैं पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पर इतना उदास होकर क्यों बैठे हो, सब ठीक है ना? मैं और उदास? अरे नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही बैठा था, और वैसे भी बनी उदास उदास नहीं होता। बनी आई नो एवरीथिंग, अनुष्का ने मुझे सब बताया जो तुम दोनों के बीच में उस रात में हुआ है। देखो बनी, ना तुम्हारी गलती थी ना उसकी गलती थी, जो हुआ सब अनजाने अनजाने में हुआ, और जितना परेशान तुम हो ना वो भी उतना ही परेशान है। अच्छा और क्या बोला अनुष्का ने? उसने ये बोला कि मैं बनी की दोस्ती को खोना नहीं चाहती, और मुझे लगता है तुम भी सेम ही सोचते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है यार। पूरे कॉलेज में तुम दोनों की दोस्ती के चर्चे हैं, कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है पर बनी और अनुष्का नहीं। तो तुम अपनी दोस्ती के बीच में गैप मत आने दो, उससे मिलो, बात करो, सब कुछ सॉर्ट आउट करो। यार चेतना, अनुष्का से मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको फेस कैसे करूँगा? मैंने उससे बात करने की भी ट्राई की थी लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं अनुष्का से बात करती हूँ, तुमसे मिलेगी और बात करेगी। कल तुम फ्री हो? हाँ मैं कल फ्री हूँ। तो कल तुम उससे मिलो, मैं उससे बोलूंगी, पक्का मिलने आएगी, सारी बातें करना और सब सॉर्ट आउट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। यू आर वेलकम। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। हेलो अनुष्का। हाय चेतना। बनी मिला था मुझे अभी। अच्छा क्या बोल रहा था वो? ये कह रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं अनुष्का को फेस कैसे करूंगा। यार देख अनुष्का, तुम दोनों के ना दिमाग में सेम खिचड़ी पक रही है, तो मैंने उसको कह दिया है वो कल तुझसे मिलने आ रहा है, तो चुपचाप से उससे मिलने चली जाइए और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लियो। हाँ ठीक है, पर पक्का सब कुछ सही हो जाएगा ना? या तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, बाय बाय। बनी हमारे बीच इतना कुछ हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। और उन लोगों की बात तो सच हो ही गई ना, जो हमारी दोस्ती के बारे में इतना गलत सोचते थे कि एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद वो लोग सही सोचते थे। यार अनुष्का देख, आई नो जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती भुलाकर उन लोगों के बारे में सोच रही है अब, कि लोग क्या सोचेंगे। बनी जो हमारे बीच हुआ वो कोई छोटी चीज नहीं है, वो ऐसी चीज है
हमारी 10 साल की दोस्ती को ना एक झटके में खत्म कर सकती है। और तुझे पता है क्या, एक लड़की की लाइफ में ना बहुत से लड़के आते और जाते हैं, पर उसकी लाइफ में ना हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो हमेशा रहता है। और मेरे लिए वो बेस्ट फ्रेंड ना तू है बनी। अनुष्का, सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ना। बचपन की लड़ाइयां कितनी अच्छी हुआ करती थी, हम बड़ी से बड़ी लड़ाई एक घंटे में सॉल्व कर लिया करते थे, और आज इतने दिनों बाद मिले यही सोचकर कि बचपन की लड़ाइयों की तरह ये भी ऐसी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, और इस बार तो यार मैं डर गया था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि हम फिर कभी मिल पाएंगे। और मेरी तो ये सोचकर फट गई थी कि अनुष्का के बिना बनी का क्या होगा। बनी, अगर तू मेरा दोस्त ना होता ना तो मैंने तेरी पुलिस कंप्लेंट करनी थी, लेकिन गलती तेरी अकेले की नहीं थी, गलती मुझसे भी हुई है। मैंने उस दिन इतनी ज्यादा ओवर ड्रिंक कर ली थी, जबकि तू तो मुझे बार-बार रोक रहा था कि मत पी मत पी, पर मैंने तेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं कैसे मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। नहीं अनुष्का, गलती मेरी है। माना तूने ओवर ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन मैं तो होश में था ना, मैं वो सब रोक सकता था। पर पता नहीं क्यों उस दिन मैं ना खुद को और ना तुझे रोक ही नहीं पाया। अच्छा, कहीं तुझे मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना। अबे पागल वागल है क्या, बनी के भी इतने बुरे दिन नहीं आए। हाँ, what do you mean, हाँ? मतलब आई मीन यार देख, हम ना बेस्ट फ्रेंड ही बहुत अच्छे, और उन कपल से हमारी दोस्ती काफी ऊपर है यार। जैसे हम है वैसा कोई है ही नहीं। तुझे पता है हम ना मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हैं, जिन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। पर बनी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। सॉरी नहीं, प्रॉमिस कर कि आज के बाद ओवर ड्रिंक नहीं करेगी। ओवर ड्रिंक आज के बाद ना मैं दारू को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना इन सबकी जड़ दारू ही है। हाँ बोल तो सही रही है तू, इन सबकी जड़ दारू ही है। एक मिनट, सारी गलती मेरे अकेले की है, तू सॉरी नहीं बोलेगा क्या? हाँ तो बोल तो रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। अच्छा ऐसे बोलेगा? I'm sorry यार। I'm sorry too। चल चले हम। चल। फोन उठा ले अपना। हाँ। वो लगकर। चुप रह। हेलो अनुष्का। अच्छा तू फ्री है क्या अभी? मैं ना तेरे घर के नीचे आया हुआ था, वो मैं सोच रहा था कि काफी दिन हो गए हम मिले भी नहीं है, तो आजा नीचे छोले भटूरे खाने चलते हैं। हाँ आजा, मैं नीचे तेरा वेट कर रहा हूँ, बाय। हाँ तो भाई आज यहाँ कैसे? अच्छा तो हो गया सब सॉर्ट आउट, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ यार सब सॉर्ट आउट तो हो गया, लेकिन यार अनुराग ये सब करके ना बिल्कुल भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। मतलब ऐसा लग रहा है मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। अबे इसमें कमीने वाली क्या बात है भाई, देख तुझे सिर्फ एक किस करनी थी, तू किस करके रुक जाता, आगे क्यों बढ़ा? वैसे अनुराग तेरा आइडिया ना काम कर गया, मतलब तूने सही बोला था, अनुष्का को तबाह के बियर पिला दे, तेरा मामला सेट हो जाएगा। तूने यार मेरा मामला सेट कर दिया, और एक बात बताऊं, मजा बड़ा है यार। बेटे बने हराम ही बहुत है तू।
यार अनुष्का तूने जैसा देखा वैसा कुछ भी नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था यार। तेरा क्या मतलब था और क्या नहीं मुझे ना अच्छे से समझ में आ गया है। मैं कितनी बड़ी पागल थी, मुझे लग रहा था उस दिन जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, लेकिन तू इस हद तक गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रूठी है शब तेरप्पा रप्पा, दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा। चुप माही चुप है राजा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है राजा जा। अबे यार बन्नी कब से तेरा फोन बज रहा है भाई, उठा ना देख किसका फोन आ रहा है। यार अनुष्का फोन कर रही है मुझे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये इस टाइम मुझे क्यों फोन कर रही है। एक काम कर उठा और पूछ क्या बोल रही है। हेलो बनी, आई एम प्रेग्नेंट। शिट। अबे यार रुक तो सही। Hey guys, thank you so much वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ गाइज, अगर आप भी अपने बालों से प्यार करते हो मेरी तरह तो मुस्टैक का हेयर केयर कॉम्बो खरीद लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके इजिली परचेज करो और अपने बालों को बनाओ पहले से बेहतर मेरी तरह। और हाँ, अगर आपको उसका सेकंड पार्ट देखना है तो जाके अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइज हम दोनों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सेकंड पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पे अपना ढेर सारा प्यार दो, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। तो तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सेकंड पार्ट देख के तो बावले हो जाएंगे। सही बात है। अब बंद करो ना भाई।